अरे राम राम लाड लियो, के हाल है तारे? लब तार खतरे एक और नई खबर ले आया। सक्षम साथियां खतरे, सक्षम साथियों की बहुत बड़ी खबर है। इन्हें चाला पैट दिया है जमानू। ठीक से जाती हो तो पूरी वीडियो देखियो तो तामना जी समझ में आओगी इनकी जानकारी। इन्हें के कर दिया, इन्हें के काम कर दिया है जो 9385 विधवाओं को शादीशुदा बना दिया भाई। 9385 जो विधवा थी उनकी शादीशुदा बना दिया, और 1739 को जिंदा बना दिया मर्त। यानी कि वो तो जिंदे तो देर उन्हीं मरिया दिखा दिया। तो साथियों ने मैं इन्हों चाला पैट दिया है साथियों। बाकी सारी गलती यार सक्षम वाला की भी कुछ होंगी, ये डिपार्टमेंट वाले की भी गलती हुआ है, क्योंकि कई साथियों ने तो ऐसा काम वो दे हुए बहुत ही बेरह नहीं होता उस चीज़ का। लेकिन कई तो ग्रेजुएट बंदे भी हैं यार सक्षम में, ऐसी बात नहीं है। कई ये 12वीं पास है, उनकी पता नहीं होता यार इन चीज़ का, और उनकी पूरी तरह गाइड कर नहीं करते हुए। अब तो हमने इसी स्त्रियाँ काम करना है तो वैसे उनकी वर्क पकड़ा दें, बोले तो हमें फर रहे इन बरबर के लिए आइयो, और उसने सीधा टैप देंगे। तो लब साथियों यो जो बूढ़े वाडे थे वह अपने जो ताऊ थे उनने भी जवानों खिंड के बंद बांध के जवानों चाला पैट दिया था, जो सारा खट्टर का महकमा ला दिया। तो उसका कारण ये देख लीजिए, सारा महकमा में भाई यार दड़बड़ी मैच की है साथियों। तो पूरा मामला के है भाई, पिछले साल यानी कि कुल 1,75,298 लोगों की पेंशन रोकी गई थी, जिसके अंदर वह 1,04,655 की पेंशन PPP और 70,645 की पेंशन थी, वह रजिस्टर जर्नल ऑफ इंडिया के डेटा की वजह से रुकी थी। ठीक है साथियों, तो आगे क्या किया था भाई इन्हें, वह गामा में एक सर्वे करवा था जो सक्षम साथी है ना, तो इनकी काम दिया था अब तब 6,000 रुपये दे देंगे, 100 घंटे काम करना है, और लें फर्रे ले जाओ और इनमें सारा का डाटा लिख लिख के ले आओ। तो इन्हें भाई यो डाटा तो दे दिया था, तो ये देख लीजिए इन्होंने क्या कहा है। बस जो सरकार ने सक्षम युवाओं से कुछ माह पहले सर्वे कराया था, इनके घर घर जाकर सर्वे करना था, तो इसके द्वारा दिए डाटा को ऑनलाइन कर पेंशन रोक दी। यानी कि इन्हें क्या कराया, वो जो सक्षम साथियों ने दे रखा था ना उसकी पूरा वेरीफाई कर दिया। और भाई ये जो डाटा लेके आए हुए, जमा ओरिजिनल डाटा लेके आए हैं, बस जो 50,000 अकाउंट था वो बेचारे ने इन्हें 6,000 में कर दिया। वह बहुत बड़ा तुम फायदा कर दिया सरकार का। लेकिन इन्हें नू तो कौन बेरा यार, गड़बड़ी भी हो इसका है, अपना वेरीफाई तो करो, उसका पहले पेंशन काट दी। तो देख के कहने लग रहे हैं भाई, पेंशन रोकी तो विवाद होने पर सामने आया कि जो सक्षम युवाओं के डाटा में खामी पाई गई। तो मानना जा रहा है कि ये सर्वे घर बैठकर ही पूरा कर लिया, मानना जा रहा है घर बैठकर पूरा कर लिया, लेकिन उन साथियों की आवाज़ नहीं देखी भाई, इन बागडोर भाई बहुत तकलीफ हो होगी यार, घर घर जाके कोई घर पाया नहीं पाया, वह किसका के नाम है, नाम भी मैच को ला रहे, क्योंकि पहले नाम न्यारे थे, नाम न्यारे हो रहे हैं, तो बड़ा सिस्टम टेढ़ा है यार। तो लेकिन फिर भी इन्हें वेरीफाई नहीं करना चाहिए था, वो अपना 70 रुपये भी कुछ वेरीफिकेशन करनी चाहिए थी। तो उस वेस पर इन्हें क्या कराया भाई, अब सरकार उन सक्षम युवाओं के नाम, उन सक्षम युवाओं की दिक्कत कर रही है भाई, उनके नाम काटना चाह रही है, वो उनके नाम काट दिए हटा दिए जाओगे और उनका भत्ता भी बंद कर दिया जाओगा जिनके डेटा गलत मिल रहे हैं। लव इसमें सक्षम साथियों की गलती है यार, वेरीफाई तो तुमने भी करना पड़ेगा, बस सक्षम साथियों का नाम काट देंगे फिर फायदा क्या होया। तो वह उनकी बेचारे नाम काटने खातर या तैयारी चल पड़ी है साथियों। तो सरकार अपने ऊपर तो बात लेना नहीं चाहती, क्योंकि बुढ़े ने हंगामा कर दिया, खंड के मद मद के पहुँच गए थे, तारे फूपे हैं आगे। ठीक है, तो सरकार के चाहो भाई जिन को सख्त समाया वह ठिकरा फोड़ दिया हमारा, तो वह इनके नाम नाम काटने का चक्कर में है सरकार। ठीक है साथियों, तो देख लियो भाई, बाकी सारे की देख मामे सक्षम वाला की भी इतनी वाकुन कर दे भाई। कई साथी हैं ऐसे वो जिसकी नहीं नॉलेज है, लेकिन कई तो ग्रेजुएट बंदे भी हैं सक्षम में, तो वे भी सारे मई मिल जाए यार, जब एक का डाटा गलत हो जाए तो और भी वह साथ में शामिल कर लिया जावा है। तो साथियों या तार खतरे एक खबर पहुँचानी थी, बस सक्षम साथियों के ऊपर ही दिक्कत ऐसा है, क्योंकि इनके नाम नूम काटने शुरू कर दिए हैं डिपार्टमेंट वाले ने, क्योंकि वो इनका डाटा गलत पाया गया है। अपने 70 रुपये तो कोई वेरीफाई कराया को नहीं, 50,000 का काम 6,000 में करवा लिया, उसकी कोई वा नहीं। अब 50,000 का काम था बेचारा ने 6,000 में कर दिया, लेकिन यह दिक्कत जरूर गेट देंगे भाई, इनका डाटा गलत पाया तो इनका नाम काटने की कोशिश करेंगे। तो देख लियो साथियों भाई, इन्हें क्या किया है, तो कुछ इनकी बातें भी बता रखी भाई। 2044 में बेटियों का लाडली भत्ता रोक दिया था भाई, आरजीआई के ने 70,643 को यानी कि भाई मर्द बताया दिया था। तो ये स्त्रियों के भाई कई मामले आए हैं, तो इसमें गड़बड़ी ठीक भाई, हमने सक्षम युवाओं से सर्वे करवाया था, इसमें कवाई है भाई, रिकॉर्ड में ज़्यादा गड़बड़ी मिली है उसे ठीक किया जा रहा है, और जिन सक्षम युवाओं ने सर्वे में गड़बड़ी करी तो उनका नाम भाई योजना से हटा कर उनका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। तो ये बात भाई कही है उमा शंकर जी ने। ठीक है साथियों, तो तार खातर बस यह इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, अब अपना देख लियो कि मैं सिस्टम बना दो। ठीक है साथियों,
बता हमने भी कोई सर्वे सर्वे कराया तो, क्योंकि यार इन बारहवीं बुरहवीं आया ने इन्हें सर्वे दे दिया था, तो कई तो लड़कियां ने भी सर्वे दे दिया है, उनने बेरा नहीं यार इस चीज़ का करना के है, ठीक है। तो स्त्रियां भाई कई जगह गड़बड़ी भी देखने में मिली है, बस सक्षम जातियाँ की भाई काम पर कौन जानते, वास्तव में यह बात भी है कई जगह भाई वे के करे हैं भाई अपना रोल सोल सी कर ले हैं भाई बिना काम दिए, सोचा हुए चाय जे 6,000 रह जाएंगे तारा खाता में, तो साथियों ईशा भी ना कराया करो, ठीक है। तो तारा खतर बसिया इन्फॉर्मेशन लेके आया था, आपने वीडियो देखी, तारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो अपने कमेंट करियो भाई, ठीक है साथियों। तो तारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई।